और ये भ्रष्ट एसपी अगर जो फोन नहीं उठाएगा, जनता उसके जवाब देगा, हर गांव और गलियों के अंदर इसका जवाब निकलेगा। आपका एसपी को हमने दो दो बार फोन लगाया, एसपी फोन नहीं उठाता है। नेता प्रतिपक्ष महोदय का जो फोन नंबर से हमें हमारे कार्यकाल के दौरान 4 माह में जिस नंबर से कॉल आता रहा है उसके लास्ट में 811809 उससे हमारी अभी तक बात होती रही थी। उस नंबर से हमारी लास्ट बात, उस दोनों नंबर से लास्ट बात 12 तारीख को है। उसके पश्चात इधर के 2-3 दिनों में कोई कॉल उस नंबर से नहीं आया है। और जहां तक फ़ोन नहीं उठाने की बात है, मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं हमेशा सबों का फ़ोन उठाते रहा हूं। एसपी को फोन लगाता है, कहता है एसपी का फोन बंद रहता है। मेरे विरुद्ध ये अभी आरोप लगाया गया है कि एसपी का फोन बंद रहता है। मेरे 4 महीने के दौरान का कॉल डिटेल निकाल कर देखा जा सकता है कि मेरा मोबाइल कभी भी बंद रहा है या नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मेरा मोबाइल कभी बंद होता ही नहीं। सर ने CDR भी निकलवाया। मैं दावा कर रहा हूँ कि कॉल नहीं आया है। पुलिस का अधिकतर जिप्सी बाईपास में खड़ा रहता है, जिधर से गाड़ी निकलती है बालू का, तहसीलदारी करते हैं। रात में गुजरिए, देखिए कि कहाँ कहाँ पुलिस की गाड़ी खड़े होकर तहसीलदारी करती है। क्या DGP को नहीं पता है? उनका ये है कि बाईपास में थाने की गाड़ी 24 घंटे रहती है, वसूली करती है। तो यहाँ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पुलिस की जो महत्वाकांक्षी योजना है 112 डायल के अंतर्गत इस जिला को 4 गाड़ी आवंटित हुआ है। उस गाड़ी को पूर्व निर्धारित प्लेस, जिसका कोऑर्डिनेट पहले से फिक्स है PHQ के द्वारा, उसी जगह रहना है जब तक उसको कोई कंप्लेन ना मिले। कंप्लेन के बाद ही उसको उस पर रिएक्ट करना है और फिर उसी जगह वापस आना है। तो वो गाड़ी हमेशा 24 घंटे लगी रहती है। ईमानदार पुलिस को आप साइड कर दीजिए, आप बेईमान और भ्रष्ट पुलिस को थाना दीजिएगा तो लॉ एंड ऑर्डर उससे सुधरेगा। उन्होंने एक आरोप लगाया कि थाना अध्यक्ष की पोस्टिंग में अनियमितता बरती जा रही है और जो अच्छे पदाधिकारी हैं उनको पुलिस लाइन में पोस्ट कर दिया गया है और बाकी खराब पदाधिकारी को थानाध्यक्ष के पद पर पदस्थापित किया गया है। जितने भी अभी थानाध्यक्ष हैं वो इस जिला में 3 साल से थानाध्यक्ष हैं, केवल उसका जगह बदला है। किसी भी थानाध्यक्ष को लाइन क्लोज नहीं किया गया है। अपवाद सिर्फ उसका एक है, पीरी बाजार थानाध्यक्ष के आग्रह पर उसको पुलिस लाइन किया गया है, बाकी सभी पदाधिकारी वही हैं जो पूर्व से थे।